सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट कॉलेज गोरखपुर से। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी ड्राई क्लीनिंग या सूक्ष्म धुलाई। तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। हम आज ड्राई क्लीनिंग में जानेंगे इंट्रोडक्शन या मतलब कि ड्राई क्लीनिंग का परिचय। दूसरा है रिएजेंट्स यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होने वाले प्रतिकर्मक कौन कौन से होते हैं। ड्राई क्लीनिंग बाय फैट सॉल्वेंट, फैट सॉल्वेंट से ड्राई क्लीनिंग कैसी की जाती है। और ड्राई क्लीनिंग बाय फैट एब्जॉर्बेंट, फैट एब्जॉर्बेंट से ड्राई क्लीनिंग कैसे की जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग, मतलब ड्राई क्लीनिंग के जो एडवांटेजेस हैं, गुड और डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग, हम इतनी चीज़ें ड्राई क्लीनिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्राई क्लीनिंग का इंट्रोडक्शन। ड्राई क्लीनिंग होता क्या है? ड्राई क्लीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम वस्त्रों की धुलाई जो है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पहला होता है हमारा वेट क्लीनिंग और दूसरा हमारा होता है ड्राई क्लीनिंग। अब वेट क्लीनिंग क्या होता है? वेट क्लीनिंग, जैसा कि नाम से पता है, वेट मतलब गीली विधि, गीली धुलाई। गीली धुलाई हम किससे कर सकते हैं? जो कि हमारे डेली के यूज़ में कपड़े आते हैं, या फिर जो कपड़े बहुत ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, उनको उन पर रगड़ घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन कपड़ों की धुलाई हम किससे करते हैं? वेट क्लीनिंग से करते हैं। या फिर रोज़ के पहनने वाले कपड़ों की धुलाई हम किससे करते हैं? वेट क्लीनिंग से करते हैं। और रही बात अब ड्राई क्लीनिंग की, तो ड्राई क्लीनिंग क्या होता है? जिन वस्त्रों की धुलाई वेट क्लीनिंग से नहीं की जा सकती है, उनकी धुलाई हम ड्राई क्लीनिंग से करते हैं। ड्राई क्लीनिंग इज एनी क्लीनिंग प्रोसेस फॉर क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल यूजिंग अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ड्राई क्लीनिंग जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस है, दूसरा क्लीनिंग प्रोसेस है। किसको साफ करने का? क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल, वस्त्रों या परिधानों को साफ करने का, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं अदर देन वाटर, मतलब जल की जगह हम या वाटर की जगह हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं या प्रतिकर्मक का यूज़ करते हैं। हम ड्राई क्लीनिंग में, वेट क्लीनिंग में तो हम वाटर का यूज़ करते हैं, पर ड्राई क्लीनिंग, जैसा कि नाम से पता है, ड्राई क्लीनिंग मतलब सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई, तो इसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ड्राई क्लीनिंग इज यूज ऑफ सॉल्वेंट्स टू रिमूव सॉयल एंड स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक। ड्राई क्लीनिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? ड्राई क्लीनिंग इसलिए कपड़े पे करते हैं ताकि कपड़े पर के जो स्टेन हैं या फिर उस पर जो दाग धब्बे लगे हैं या फिर उस पर जो सॉयल वगैरह लगा है उसको रिमूव किया जा सके या उसे हटाया जा सके। तो सभी वस्त्रों की धुलाई जो है वो गीली विधि से या फिर साबुन और पानी से नहीं की जा सकती है। कुछ महंगे वस्त्र होते हैं जैसे कि वुलन क्लोथ हो गए, सिल्क हो गए, ये सब जो हैं वो वेट क्लीनिंग से क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, और उनकी जो चमक होती है या सॉफ्टनेस होती है या उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनकी जो रचना होती है या उनकी जो वीविंग होती है, उनका जो अट्रैक्टिवनेस होता है, वो क्या होता है? एकदम बेकार हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और वो एकदम ओल्ड क्लोथ के जैसे दिखने लगते हैं। तो इसलिए जो महंगे महंगे वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई हम कैसे करते हैं? ड्राई क्लीनिंग से करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए? वुलन्स कोट हो गए, स्वेटर्स हो गए, शॉल हो गए, बनारसी साड़ियाँ हो गई, या फिर जो जरी गोटे वाले सिल्क के कपड़े होते हैं, ब्रोकेड हो गया, इन सबों को ड्राई क्लीन करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फर और फेल्ट वाले कपड़े जो होते हैं उनको भी हम ड्राई क्लीन ही करते हैं। इससे क्या होता है? उनके जो पाइल होते हैं, उनके जो रोए होते हैं, वो दबते नहीं हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं और उनमें चमक जो है वो बनी रहती है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब है दूसरा हमारा रीएजेंट्स यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में कौन कौन से रीएजेंट यूज़ किए जाते हैं या कौन कौन से प्रतिकर्मक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से हमारा ड्राई क्लीनिंग में दो प्रतिकर्मक यूज़ किए जाते हैं या दो रीएजेंट यूज़ किए जाते हैं? फैट सॉल्वेंट और फैट एब्जॉर्बेंट। फैट सॉल्वेंट का मतलब कि चिकनाई घोलक, और फैट एब्जॉर्बेंट का मतलब कि चिकनाई अवशोषक। घोलक जो है सॉल्वेंट, जैसा कि नाम से पता है कि वो सॉल्वेंट है, तो वो
लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और जो एब्जॉर्बेंट है वो हमेशा पाउडर के फॉर्म में रहता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो फैट सॉल्वेंट है वो लिक्विड के फॉर्म में है। सॉल्वेंट इसमें बेंजीन आते हैं, पेट्रोल आता है, ईथर आता है, एसीटोन आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, तारपीन का तेल आता है, इन सब का यूज़ हम फैट सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। जिनमें से जो बेंजीन होता है, पेट्रोल होता है, ईथर, एसीटोन जो होते हैं वो इंटेंसली फ्लेमेबल होते हैं, जबकि जो तारपीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए इनका यूज़ जो है वो बहुत ही केयरफुली किया जाना चाहिए। अब हमारा दूसरा आता है फैट एब्जॉर्बेंट। फैट एब्जॉर्बेंट पाउडर के फॉर्म में होते हैं, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, फ्रेंच चौक आता है, ब्रेड पाउडर आता है, मैग्नीशियम का पाउडर, मूंग दाल का पाउडर, ग्राम फ्लोर या बेसन, टेलकम पाउडर हो गया, और अदर कमर्शियल पाउडर का यूज़ हम फैट एब्जॉर्बेंट के रूप में करते हैं। ये जो होते हैं वो पाउडर के फॉर्म में होते हैं, ड्राई पाउडर के फॉर्म में होते हैं। दे आर नॉट वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव क्लीनर्स। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इनका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत कम दाग धब्बे लगे होते हैं, उनको छुड़ाने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग में फैट सॉल्वेंट का, और फैट सॉल्वेंट में भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ पेट्रोल का करते हैं। और अब हमारा आता है ड्राई क्लीनिंग बाय फैट सॉल्वेंट। फैट सॉल्वेंट के द्वारा हम ड्राई क्लीनिंग किस तरीके से करेंगे, तो फैट सॉल्वेंट के द्वारा भी ड्राई क्लीनिंग जो है वो दो तरीके से किया जाता है, बाय डिपिंग इन पेट्रोल और बाय स्पॉन्जिंग विथ पेट्रोल। बाय डिपिंग इन पेट्रोल में क्या होता है कि पूरे कपड़े को हम क्या करते हैं कि पेट्रोल में डुबो देते हैं, और बाय स्पॉन्जिंग विथ पेट्रोल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फैट एब्जॉर्बेंट होता है या फिर स्पॉन्जिंग में हम क्या करते हैं कि पेट्रोल को हम एकदम उसी जगह लगाते हैं जिस जगह पे हमारा स्टेन लगा हुआ है, और फिर हम उसको स्पंज करके हम उस उतने ही दूर को केवल दाग धब्बे को छुड़ाते हैं या ड्राई क्लीनिंग करते हैं। अब बात आती है बाय डिपिंग इन पेट्रोल। बाय डिपिंग इन पेट्रोल में, चूंकि ये बहुत लंबा था इसलिए मैं बुक की फ़ोटो ही डाली हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि बाय डिपिंग इन पेट्रोल में क्या करते हैं। बाय डिपिंग इन पेट्रोल में सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब कोई भी धुलाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े को हम टेस्ट कर लेते हैं या कपड़े को चेक कर लेते हैं कहीं उसके पॉकेट में कुछ है तो नहीं, अगर रहता है तो कपड़े में से उसके पॉकेट में से हम निकाल देते हैं। दूसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं कि कपड़ों पर जो बटन लगे हैं या वो महंगे महंगे लेस वगैरह लेस लगे रहते हैं या अरे बेल्ट वगैरह होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कपड़ों से निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि कपड़े को हम क्या करते हैं हल्का सा ब्रश से झाड़ देते हैं। ब्रश से इसलिए झाड़ते हैं ताकि जो कपड़े की ऊपरी सतह पे जो गंदगी चिपकी हुई है वो क्या हो, झड़ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ड्राई क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिपिंग इन पेट्रोल में हम क्या करते हैं, एक बात हमें ये ध्यान देनी है कि जब हम फैट सॉल्वेंट से हम ड्राई क्लीन कर रहे हैं तो हमें बंद कमरे में नहीं करना है, बल्कि हमें कहाँ करना है, खुले स्थानों पर करना है, जैसे कि छत हो गई, बालकनी, बरामदा, आंगन, इन जगह पे किया जाना है, और या फिर वहां करना है जहां पे हवा जो है वो आसपास पास हो, हमेशा हवा पास हो। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इनमें आग लगने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग जो है वो हमेशा खुले स्थानों में किया जाना चाहिए। अब बात आती है डिपिंग इन पेट्रोल से ड्राई क्लीनिंग कैसे करें। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक संकरे नुमा मुंह वाला ऐसे करके एक पात्र होता है। इस पात्र में यहाँ नीचे की तरफ एक टोटी लगी होती है, ठीक है, और इसमें आधी दूरी तक क्या होता है, पेट्रोल भरा होता है। बाय डिपिंग इन पेट्रोल का मतलब होता है कि पेट्रोल में कपड़े को डुबो कर कैसे करनी है, तो इसमें पेट्रोल भरा होता है। और अब हम ये जो होता है वो पूरा सक्शन वॉशर के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यहाँ पे एक सक्शन वॉशर लगा होता है इसी में, और जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं,
सेम वही प्रोसेस होती है। साइकिल में जब हम हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, पंप को ऊपर नीचे करते हैं। सो सक्शन वॉशर भी सेम इसी सिद्धांत पे या इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम क्या किए, पेट्रोल भर लिए, अब इसी पेट्रोल में कपड़े का जो गंदा गंदे कपड़े जो होते हैं वो उसको हम डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसी सक्शन वॉशर को ऊपर नीचे हम करते हैं, जिससे कि कपड़े पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है और कपड़े पे की जो मैल होती है वो निकल कर पेट्रोल में घुल जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमारा कपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ ना हो जाए। जब गंदगी घुल गई, कपड़ा साफ हो गया, फिर हम कपड़े को निकालते हैं और उसको हवादार और छायादार स्थान में रख देते हैं, जिससे कि पेट्रोल की जो महक है वो चली जाए कपड़े पर से। अब रही बात इस कंटेनर में बचे पेट्रोल की, तो इसको हम कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पेट्रोल की जो में जो गंदगी घुली रहती है वो क्या होती है, इसके तली में बैठ जाती है और स्वच्छ पेट्रोल को हम इस टोटी की सहायता से या इस नल की सहायता से हम बाहर निकाल लेते हैं और एक बोतल में भर कर रख लेते हैं। और फिर हम इसका यूज़ जो है वो दोबारा से ड्राई क्लीन करने में कर सकते हैं। तो ये बात तो हुई बाय डिपिंग इन पेट्रोल। अब हमारा दूसरा आता है बाय स्पॉन्जिंग विथ पेट्रोल। बाय स्पॉन्जिंग विथ पेट्रोल में हम क्या करते हैं कि इसमें हम पूरे कपड़े को पेट्रोल में ना डुबोकर, बल्कि हम जो है वो अरे थोड़े से पेट्रोल को केवल उसी स्थान पे लगाते हैं जहाँ पे कपड़े का गंदा भाग है और उसे ही हम स्पंज कर कर छुड़ाते हैं। तो इस विधि से क्या क्या हम करते हैं, सबसे पहले सेम वही प्रोसेस करते हैं, कपड़े को ब्रश से झाड़ देते हैं, उसके बाद उस पे के जो सेफ्टी पिन है या बटन वगैरह है उनको हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर इसको हम सोखता कागज भी कहते हैं। ये जो होती है, ये जो होता है वो अरे लिक्विड को अपने में सोख लेता है या अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं, एक टेबल लिया और इसी टेबल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पर ब्लॉटिंग पेपर बिछाते हैं। ब्लॉटिंग पेपर बिछा दिया, ब्लॉटिंग पेपर बिछाने के बाद इस पर हम कपड़े के केवल गंदे भाग को बिछाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बाउल में थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं और उसमें मलमल का टुकड़ा या फिर स्पंज को खूब अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें जिस जगह दाग धब्बों को छुड़ाना है वहीं पर हम इसको स्पंज करते हैं। और स्पंज कैसे करते हैं, राउंड एंड राउंड इस तरीके से स्पंज करते हैं, चक्राकार गति में बिल्कुल घिसते जाते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि कपड़े पर से गंदगी जो है वो साफ ना हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कपड़े को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद हम इस पर प्रेस कर देते हैं और जो इसके बाद क्या होता है, जो हम जब हम रब करते हैं या राउंड एंड राउंड जब हम घुमाते हैं अपने फिंगर को या स्पंज को, तो क्या होता है, पेट्रोल का जो लिक्विड का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा सोख लिया जाता है, इसीलिए हम ब्लॉटिंग पेपर को बिछाते हैं। अब हमारा ये तो हो गया बाय स्पॉन्जिंग विद पेट्रोल। अब हमारा दूसरा मेथड आता है ड्राई क्लीनिंग बाय फैट एब्जॉर्बेंट, वसा अवशोषक से कैसे धुलाई की जाए। इसमें भी दो तरीके होते हैं, बाय मेकिंग पेस्ट और बाय यूजिंग ड्राई पाउडर। बाय मेकिंग पेस्ट में क्या होता है कि फैट सॉल्वेंट के साथ इसका कुछ पाउडर लेकर हम उसको क्या करते हैं, एक सेमी लिक्विड फॉर्म बनाते हैं और उससे हम रब करते हैं। अब बाय यूजिंग ड्राई पाउडर में केवल पाउडर का यूज करते हैं। अब हमारा आता है पहला आता है बाय मेकिंग पेस्ट। बाय मेकिंग पेस्ट में हम क्या करते हैं कि सेम वही प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेट्रोल लेते हैं एक बाउल में और उसमें जो हमारा एब्जॉर्बेंट है कोई एक एब्जॉर्बेंट लेकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर टेबल पे ब्लॉटिंग पेपर बिछाते हैं और उसमें भी कपड़े के उसी भाग को बिछाया जाता है जिस भाग की हमें सफाई करनी है, मतलब केवल गंदा भाग बिछाते हैं और उसी गंदे भाग पर हम इस पेस्ट को क्या करते हैं, लगाकर 30 से 35 मिनट तक छोड़ देते हैं। जब यह पेस्ट अच्छे तरीके से सूख जाता है तब उसको हम धीरे धीरे से अपने हाथों से
या फिर ब्रश से खुरच कर हटा देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, गंदगी जो है वो निकल जाती है या स्टेन जो है वो निकल जाता है और हमारा कपड़ा जो है वो ड्राई क्लीन हो जाता है। इसके बाद कपड़े को हवादार स्थान में फैला देते हैं और जिससे कि पेट्रोल की महक जो है वो निकल जाती है। अब हमारा दूसरा मेथड आता है बाई यूजिंग ड्राई पाउडर, मतलब सूखे पाउडर का उपयोग करके किस तरीके से ड्राई क्लीनिंग की जाए। तो इसमें भी हम सेम वही सारी प्रोसेस करते हैं, मेज पर ब्लॉटिंग पेपर बिछाते हैं। अब जबकि इसमें हम पेस्ट ना बनाकर केवल सूखे पाउडर को ही हम कपड़े के गंदे भाग पर लगाकर और ऐसे ही राउंड एंड राउंड जो है वो घिसते जाते हैं हम, और हमारा जो है कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। अब हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग, शुष्क धुलाई के लाभ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लाभ ये होता है कि जिस वस्त्रों की धुलाई जो है वो गीली विधि से नहीं संभव हो सकती है उसको हम शुष्क धुलाई से करते हैं या ड्राई क्लीनिंग मेथड से करते हैं। दूसरा हमारा क्या है एडवांटेजेस, इससे कपड़ों का रंग, चमक, आकर्षण, ताजगी ये सब जो है वो बनी रहती है। फिर वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं, वस्त्र मुलायम और कोमल रहते हैं, इन पे जो प्लीट्स और चुन्नटें होती हैं वो कभी नष्ट नहीं होती हैं, और रेशों की जो रचना होती है, बुनाई होती है, इसमें भी जरा सा भी अंतर नहीं होता है। अब हमारा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग, ये जो है वो बहुत ज्यादा, पहला इसका डिसएडवांटेजेस या इसकी हानि क्या है, ये बहुत खर्चीली भी दी है, इसमें पैसा बहुत लगता है। दूसरा है इसकी धुलाई में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होती है। फिर क्या है, ये घोल इसमें कुछ वसा घुलक जो होते हैं वो तीव्र ज्वलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें खुले जगह पर ही करना चाहिए। फिर क्या है, और इसके बाद इस पे जो पेट्रोल की महक जो होती है वो बहुत लंबे समय तक बनी होती है, बनी रहती है, और शुष्क धुलाई जो है वो सब लोग संपन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके लिए व्यक्ति को कुशल और अनुभवी होना अनिवार्य होता है। तो ये था हमारा ड्राई क्लीनिंग बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।